आइए हम सब चलते हैं मंदसौर, जहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य विशाल मंदिर, उन्हीं के चरणों में बैठकर भगवान श्री राम कथा का दिव्य गुणानुवाद करें, सुने भी और गाएं भी। भगवान शंकर हनुमान जी महाराज के जब रूप में आते हैं तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, वही भगवान शंकर साक्षात अपने दिव्य रूप में माता सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम पर जाते हैं, कुंभज ऋषि के आश्रम पर, भगवान राम की कथा सुनने के लिए। उन्हीं भोलेनाथ की पवित्र धरा पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विद्यमान हैं, उनकी धरा पर आगामी 30 अगस्त से 5 सितंबर तक विशाल दिव्य विराम कथा का गायन होने जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष को मेरी प्रार्थना है, पूरे मध्य प्रदेश को, राजस्थान के क्षेत्र को, अथवा तो मालवा क्षेत्र में जो भी रहने वाले भक्त परिवार हैं, उन सभी को मेरी प्रार्थना है, आप एक बार ज़रूर मंदसौर पधारें, भोलेनाथ का दर्शन करें और मेरी व्यासपीठ के द्वारा जो गाई जाने वाली राम कथा है उसका भी आनंद लें और अपने जीवन को धन्य करें। समय और स्थान आप नोट कर लें, रुद्राक्ष महेश्वरी भवन, नयापुरा रोड, मंदसौर। कथा का समय होगा सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक, और इसका प्रसारण हम लोग आस्था पर भी दर्शन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है चिन्मयानंद बापू के नाम से यूट्यूब पर, आप उस पर भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। और यदि आप आते हैं तो आपके भोजन की, आपके रहने की व्यवस्था निःशुल्क विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा मंदसौर की ओर से सुचारू रूप से की जाएगी। तो आप पधारें और कथा का भी आनंद लें, मुझे भी आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण।